जैसे कि आप लोगों को डायनामो ने कल बोला कि 7 महीने से बूट कैंप बंद हो चुका है। बंद हुआ क्यों? बंद होता है ना जब तब चीज़ें, जब वर्स्ट हो जाती है सिचुएशन तब चीज़ें बूट कैंप बंद होती है, करेक्ट। बट बूट कैंप बंद कब होता है? जब वर्स्ट सिचुएशन आ चुकी होती है। तो वर्स्ट सिचुएशन अचानक से नहीं आ जाती, धीरे धीरे बिल्ड होती है फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स। सो 4-5 महीने बूट कैंप जब बंद हुआ, उसके पहले से सारी चीज़ें हाथ से छूट रही थी, जो कि हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कशन करते थे कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बट हाथ से छूट रही थी। 5 मंथ्स वेर द गोल्डन मंथ्स, उसके बाद के जो 5 महीने थे देर वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं। बट वी डिड नॉट शो एनीथिंग ऑन आर फेस टू यू गाइज, बिकॉज ये सारी हमारी चीज़ें हैं, हमें इंटरनली सॉर्ट करनी है एज अ फैमिली। समझ रहे हो कितनी सारी टाइम लग रहा है सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने में। सो दैट देर वर सेवरल रीजन्स, सेवरल मिस्टेक्स दैट वी डिड इन द बूट कैम्प। अगर समझो कि एम्परर शाम के 6 बजे से स्ट्रीम चालू कर रहा है, दैन तू सुबह के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक उसको करना ही पड़ेगा स्ट्रीम, और एल्स ही वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट हिज प्रोपोर्शन टू द बूट कैम्प। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी प्रॉब्लम्स बूट कैम्प में, जो कि हम लोग ने नोटिस करी। डायनामो का जो पर्सपेक्टिव से बात करें तो 30% जो प्रेशर डायनामो पे था, 70% इतना होता है। सो 30+70 बिकम्स 100% ऑफ द प्रेशर ऑन द बूट कैम्प। सो जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर। एक और बात थी कि बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे थे बूट कैम्प में, जिस वजह से बूट कैम्प बंद हुआ है, करेक्ट। लोगों को ऐसा पोर्ट्रे हुआ है कि दैट वी वेर द मेंबर्स जिन्होंने काम नहीं करा है एंड वी आर लीविंग द क्लैन। सो आई गेस ये वाला टॉपिक तो बीटी मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें हुई थी और क्या पोर्ट्रे हो रहा चीज़ें, बताओ। सो बेसिकली जैसा अल्फा ने बताया गाइस, दैट इफ ही इज अर्निंग 10 रुपीज़ तो उसमें से उसको एक छोटा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। सो ऐसे ही जो बूटकैम्प हमारा 8 मंथ्स चला, उसमें से हर महीने हर क्रिएटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। एंड एज पर डायनामोज वर्ड्स, आपने भी सुना कि जिन क्रिएटर्स ने काम नहीं किया उनकी वजह से जिन क्रिएटर्स ने काम किया उन पे लोड आया है। सो नाउ तुम लोग सोचो कि हम पे उस टाइम तो लोड था ही, दैट वी हैव टू कंट्रीब्यूट, बट उसके ऊपर एक अलग लोड आया है उन लोगों का हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। तो हम तो कर रहे हैं हमारा वो एक, एंड जो लोग नहीं कर रहे उनकी वजह से जो हम पे आ रहा है वो दूसरा। वी वर ऑलरेडी फेसिंग द वर्स्ट टाइम फॉर पास्ट 8-9 मंथ्स एंड नाउ इट इज ऑन अ ब्रिम, खत्म हो चुका है, अभी ओवरफ्लो हो रही है चीज़ें। तो दैट इज द रीजन वी आर लीविंग।